एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आज हम आपको ये बहुत ही प्यारा था थालपोस बनाना बताएंगे और आप इसको पूजा की थाली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारा कलर है, येलो और रेड कलर में हमने बनाया है। आप चाहें तो अपने पसंद के कलर चूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन बहुत प्यारा है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन जाते हैं, ऊन बहुत कम लगती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए भी स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले येलो कलर की ऊन ली है, 11 नंबर का क्रोशा हुक लिया है और हम सबसे पहले चेन बनाएंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए इस तरीके से एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें एक दो तीन चेन लेकर और चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशा हो गई। दो तीन चार पाँच छः, टोटल 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने ये 14 डबल क्रोशिया बना ली हैं और अब देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर चेन बनाएंगे, एक चेन लेके वापस इसी जगह एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन चेन बना के एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाले में डालकर सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे। फिर से देखिए हम एक दो तीन चेन बना के एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाले में डाल के सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे। एक दो तीन, एक चेन छोड़ेंगे और सिंगल क्रोशिया सेकंड वाले में ज्वाइन करेंगे। तो टोटल 7 जाली हमारे पास बन जाएंगी। ठीक है, देखिए हमने तीन चेन लेकर और एक एक चेन छोड़ के सिंगल क्रोशिया ज्वाइन किया है। तो एक दो देखिए तीन चार पाँच छः और ये सात जाली हमारे पास बनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जाली है इसमें डाल के स्लिप स्टिच लेकर आएंगे, तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन और वापस इसी जगह हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास, एक और बना ली तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई। इसके बाद हमें तीन चेन बनानी है, इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन लेते जाना है और तीन डबल क्रोशिया हमें बनाते जाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो पूरी रो दिखाएंगे हम आपको। देखिए ये तीन डबल क्रोशिया बनाई है, तीन चेन बनाई है। अब एक दो तीन चेन ले ली हमने और इसके पास वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास। ठीक है, और अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दो तीन चेन लेकर और जो जाली बनाई है ना इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया के बाद एक यहाँ बनाएंगे, इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी और ये चार डबल क्रोशिया बनानी है, एक हमें छोड़नी है। देखिए दो जाली के अंदर बनानी है और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक हमने छोड़ दिया। अब फिर से हम एक दो तीन चेन लेके 2 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाएंगे, जाली के अंदर। दो हम इसके ऊपर बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। यहाँ बना लिया। ठीक है, चार डबल क्रोशिया हो जाएंगी, एक डबल क्रोशिया को हमें छोड़ना है। ठीक है, फिर से तीन चेन लेके 2 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाएंगे। दो यहाँ पर बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे।
यहाँ पर बनाएंगे। देखिए तो इसी तरीके से इस रो को हम बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो हमने पूरी रो बना ली है, अब देखिए दो हम इसके अंदर बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने तीन चेन बनाई थी, इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद देखिए इस तरीके से आपको ये रो दिखेगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और एक और बनाएंगे छः। ठीक है, छः चेन बनानी है और इसके अंदर हम जाली के अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक और वापस इसी जगह बनाएंगे तो ये दो हो जाएंगे हमारे पास, और दो यहाँ बना ली, तीन हो जाएंगे। देखिए तीन डबल क्रोशिया हो गई, एक यहाँ बनाएंगे तो चार डबल क्रोशिया हो जाएंगी, और एक इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो पांच हो जाएंगे। ठीक है, एक चेन हमें छोड़नी है, ये पांच डबल क्रोशिया हो जाएंगी। देखिए देखिए एक एक चेन हर रो में हम छोड़ते जाएंगे, अभी हमारी चौथी रो चल रही है। फिर से हमने एक चेन छोड़ देनी है और यहाँ पर एक दो तीन, तीन चेन लेकर फिर से दो हम इसके अंदर बनाएंगे यहाँ पर। और एक यहाँ पर बनाएंगे, देखिए फिर से पांच हमने डबल क्रोशिया बना ली हैं और एक चेन हमने फिर से छोड़ दी है। ठीक है, तो इस एक चेन छोड़नी है और पांच पांच डबल क्रोशिया बनाते जाना है। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। इस तरीके से पूरी रो बनेगी। तो हमने ये पूरी रो बना ली है, तो टोटल हमारे चार रो कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब पांचवी रो में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए बीच में लेकर आएंगे यहाँ पर। हमने तीन चेन बना ली, ठीक है, वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया एक यहाँ बनाएंगे, तीन हो जाएंगे। देखिए एक यहाँ बनाएंगे चार, फिर एक यहाँ बनाएंगे पाँच और ये छः। फिर से हमें एक चेन छोड़नी है, हर रो में हम एक एक चेन को छोड़ते जाएंगे और इसी तरीके से बनाते जाएंगे। तो इतना बनाने के बाद फिर से हम, तो अभी हमने तीन चेन बनाई थी, अगर आपको झोल लगे तो आप चार चेन बनाएं, अगर नहीं लगे तो आप तीन चेन ही रख सकते हैं। तो हम ये चार चेन बनाएंगे और फिर से इसके अंदर बनाएंगे। देखिए दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से हम इस सब में एक एक बना लेंगे और लास्ट वाली छोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है, पांच रो हमारी बन गई है। छठी रो में एक दो तीन, तीन चेन लेके और एक दो डबल क्रोशिया हो गई। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, लास्ट वाली छोड़ेंगे हम, इसको छोड़ेंगे। देखिए लास्ट वाली को फिर से चार चेन बनाएंगे, के अंदर दो डबल क्रोशिया, और एक यहाँ बनाएंगे, तीन हो जाएंगी। देखिए चार पाँच छः सात
और लास्ट वाली हमने एक चेन छोड़ देनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से इस रो को भी हम पूरा करेंगे। पूरी रो हमने यहाँ पर बना ली है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने एक एक चेन हर रो में छोड़ते जाना है और इसी तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे। तो अब देखिए फिर से हम यहाँ पर एक दो तीन, तीन चेन लेके एक यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो गई, ठीक है। एक यहाँ बनाएंगे तो तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगी, और ये चार लास्ट वाली हमें छोड़नी है, ये लास्ट वाली हम छोड़ देंगे। फिर से हम चार चेन बनाएंगे और जाली के अंदर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अगर आपको लगे कि झोल आ रही है तो आप चार की जगह पांच चेन भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे झोल आ रही है तब आप बना सकते हैं। फिर से इसके अंदर हमने दो डबल क्रोशिया बना ली और एक एक इसमें बनाएंगे, एक छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रो दिखेगी, ऐसे ही बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, हमने पाँच चेन बनाई हैं। अगर आपको भी लगता है कि झोल आ रही है तो आप पाँच चेन बना लें। पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से आपको ये पैटर्न दिखेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इतना जब आपका बन जाएगा, देखिए हमने कितनी रो बनाई है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात रो बना ली हैं। सात रो के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी ऊन ज्वाइन है तो यहाँ पर एक डबल, देखिए इस तरीके से हम स्लिप एक दो तीन, तीन चेन बना के और इसके पास वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। दो डबल क्रोशिया के बाद अब हम चार चेन बनाए, सॉरी पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन बना ली। अब देखिए फिर से हम पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, देखिए पांच चेन बना ली हैं और इस वाली चेन में डाल के इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम फिर से देखिए स्लिप स्टिच करके फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन बना के और इस जगह इसमें डालेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर बीच में डालेंगे और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे अभी हम बना रहे थे सेम वैसे ही बनाना है, बस बीच में हमें वाला डिज़ाइन ऐड करना है, ठीक है। और इस तरीके से पहले इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जितनी भी आपको ये डबल क्रोशिया देखेंगे हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, बट लास्ट वाली हमें छोड़ देनी है, ठीक है। जैसे हम बना रहे थे अभी डिज़ाइन सेम वैसे ही बनाना है, बस बीच में हमें वाला डिज़ाइन ऐड करना है इस तरीके से। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। अभी हो सकता है आपको टफ लग रहा है, बट ये बिल्कुल भी टफ नहीं है और जल्दी बन जाता है डिज़ाइन, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फिर से हम यहाँ पर आ गए। अब फिर से हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले पाँच चेन बनानी है। इस तरीके से हमने पूरा डिज़ाइन कम्प्लीट कर लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से जब आपका बन जाएगा उसके बाद देखिए एक चेन छोड़नी है और तीन चेन लेकर हम इसको घुमा लेंगे और यहाँ पर जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बट लास्ट वाले में क्या करेंगे, लास्ट की दो चेन में हम आपको दिखाएंगे क्या करना है, ठीक है। इस सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट की दो डबल क्रोशिया बचेंगी तो इस तरीके से हमें फंदे को कम करना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम फंदा कम कर लेंगे और अब देखिए क्या करेंगे, इसको घुमा लेंगे यहाँ पर
और तीन चेन लेके घुमाना है। और यहाँ पर ये चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया सेकंड वाले में डालेंगे, दो हो जाएंगी देखिए। और यहाँ पर जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। सब चेन में एक एक बनाते जाएंगे हम। यहाँ पर पूरा बना लेंगे इस तरीके से हम। फिर देखिए क्या करेंगे, इतना बनाने के बाद अब फिर से तीन चेन लेंगे, एक दो और तीन, तीन चेन लेके इसको घुमाएंगे, सेकंड वाले में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, दो, और चेन को काउंट किया तो तीन डबल क्रोशिया हो गई, और ये चार। लास्ट की दो चेन में हमें फंदा कम करना है, देखिए इस तरीके से हम फंदा कम करेंगे, ये सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें फंदा कम करना है। फिर से हम तीन चेन बना के इसको घुमाएंगे, और घुमाने के बाद ये देखिए फिर से सेकंड वाले में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, इसमें बनाएंगे, ये जो चेन बनाई थी इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो एक साइड से हमें फंदा कम करना है और एक साइड से पूरे फंदे रखने हैं। फिर से तीन चेन लेके सेकंड वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाया, और यहाँ पर बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, और इसमें हम कम करेंगे फंदे, देखिए इन दो फंदों में हम कम करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर से तीन चेन लेके इसको घुमाएंगे, सेकंड वाले में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो चेन बनाई थी इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर से तीन चेन लेके इसको घुमा लेंगे, और यहाँ पर भी हम फंदा कम करेंगे इसको घुमाने के बाद, ये दो फंदे हैं इनको हम कम कर लेंगे, ठीक है, एक फंदा कर लिया। तो टोटल आठ रो में आपका ये डिज़ाइन बंद हो जाएगा, आठ रो में आपका ये डिज़ाइन इस तरीके से आ जाएगा, देखिए इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन दिखेगा। टोटल आठ रो में आपका ये डिज़ाइन ऊपर से कम हो जाएगा, ठीक है। जब आप फंदे कम करना स्टार्ट करेंगे तो आठ रो में आपके फंदे कम हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करना है इस साइड में, और यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे, देखिए ऊन को ज्वाइन करेंगे, और तीन चेन लेकर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट वाली हम छोड़ देंगे। जैसे अभी हमने फंदे कम किए हैं ना, एक साइड से फंदे कम करने हैं, उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट वाले में एक हमें छोड़ देनी है, ये देखिए इस तरीके से हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया, लास्ट वाली हमने चेन में छोड़ दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक साइड से फंदा कम करते जाएंगे, तो इस साइड से हमें फंदे कम नहीं करने हैं, दूसरे साइड से फंदे कम करने हैं। इधर से हमें एक सा रखना है, तीन चेन बनाएंगे और इसको घुमा लेंगे, घुमाने के बाद हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और लास्ट वाले में हम दो दो का एक करेंगे, ठीक है, फंदे कम करेंगे। तो जब आप लोग इतना बना लेंगे तो आपके समझ आ जाएगा इस तरीके से, देखिए। इस तरीके से हमें फंदा कम करना है, तो इसी साइड से हमें फंदा कम करना है। तो जब आप लोग बनाएंगे तो आपके समझ आ जाएगा। फिर से हम तीन चेन लेके इसको घुमा लेंगे, एक दो तीन, और सेकंड वाली चेन में डाल के एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए टोटल आठ रो में आपके फंदे बंद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, और पूरा बनाने के बाद आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। सिंपल है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा। तो हम पूरा बनाने के बाद आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें आठ रो के अंदर फंदे बंद करने हैं, जैसे अभी हमने किए थे वैसे ही हम इसको बंद करेंगे। तो दिखाते हैं आपको, ये सारे हमने बना लिए हैं इस तरीके से। अब हम रेड कलर के डिज़ाइन बना के और दिखाएंगे आपको। तो हमने सारी रेड कलर के डिज़ाइन बना लिए, एक हमने डिज़ाइन छोड़ दी है आपको समझाने के लिए, इसमें हम आपको अच्छे से समझा कर सिखाएंगे कैसे बनाना है। तो ये सबसे पहले हम रेड कलर की ऊन को ज्वाइन करेंगे, ऊन को ज्वाइन करने के बाद
तीन चेन बना ली हमने, और तीन चेन बनाने के बाद जो बीच में हमने ये डिज़ाइन बनाया था इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने तीन चेन ले ली हैं, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। टोटल इसके अंदर हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने 12 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब तीन चेन बना के ज्वाइन करेंगे इस जगह पे। सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर लिया। अब देखिए हम इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक बनाएंगे इसके पास वाली चेन में यहाँ पर। फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, इसको घुमा लेंगे। घुमाने के बाद जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाई हैं इसमें फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेकर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे, फिर एक चेन लेके यहाँ बनाएंगे। हमें एक एक चेन लेते जाना है और एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरीके से हम पूरी रो बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने पूरा बना लिया है। फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, यहाँ पे डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। फिर देखिए इसके ऊपर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे। फिर से इसको घुमा के, और जैसे अब यहाँ पर डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेकर यहाँ बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेकर यहाँ बनाएंगे। जैसे अभी हमने रो बनाई थी ना, सेम वैसे ही रो हमें ये वाली भी बनानी है। एक एक चेन लेकर और एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। पूरी रो बना ली हमने, फिर से तीन चेन बना के और इसको ले जाकर यहाँ ज्वाइन करेंगे। फिर इसके ऊपर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, सिंगल क्रोशिया बना ली। अब देखिए फिर से हम तीन चेन लेकर इसको घुमाएंगे, फर्स्ट वाली इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और अब हम दो चेन बनाएंगे। दो चेन बना के यहाँ पर बनाएंगे, इसे हम दो चेन बनाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया। दो दो चेन बनाते जाना है और एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से इस रो को पूरी रो बनाने के बाद फिर से तीन चेन लेकर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना ली। फिर इसके ऊपर यहाँ बनाएंगे, जैसे अभी ये रो बनाई थी सेम ऐसी ही रो हम एक और दो और बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखी, एक दो तीन रो बना, तीनों रो में हमने दो दो चेन ली हैं बीच बीच में। देखिए एक एक डबल क्रोशिया बनाई है, दो दो चेन ली है। जैसे अभी हमने आपको बनाना सिखाया था वैसे ही हम ये तीनों रो बनाएंगे। दो दो चेन लेनी है बीच में और तीन रो बनानी है। तो हम दूसरी रो पर हैं। देखिए हमने पूरी रो बना ली है तीन रो बनाने के बाद। अब लास्ट की डिज़ाइन दिखाएंगे हम आपको। पहले तीन चेन बना के इसको घुमा लिया, यहाँ डाल के ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। ज्वाइन करने के बाद तीन चेन बनाएंगे, एक
एक दो तीन, तीन चेन, फिर इसको एक दो तीन यहाँ पर डाल के स्लिप स्टिच किया, फिर एक दो तीन इसको ले जाके यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर से तीन चेन, तीन चेन और लेकर और यहाँ पर डाल के स्लिप स्टिच बनाया, एक दो तीन इसको ले जाके यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो इस तरीके का डिज़ाइन बनेगा ये देखिए। फिर से तीन चेन, एक दो तीन, फिर से तीन चेन, एक दो तीन और इसमें डाल के ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच, फिर से एक दो तीन लेकर और यहाँ पे डाल के ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरीके से हम इसकी किनार बना के फिर दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये पूरा थालपुस बन गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको एंजॉय करें, बाय।